सो गाइस, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको लेकर आ गया हूँ रियल वेला में। ओके, ये आपका वेला है, ये आपकी कार पार्किंग, एक कार पार्किंग आपके अंदर है। ओके, वेला के ठीक सामने आपका पार्क है। ओके, इसका एक ओवरलुक मैं आपको दे देता हूँ। इस तरीके से आपको ग्रीनरी मिलेगी। ओके, आइए मैं आपको अब अंदर लेके चलता हूँ। ऋषि जी, यहाँ पे अभी कितनी फैमिलीज ऑलरेडी लोकेटेड है? राइट नाउ करीब यहाँ पे 40-50 फैमिलीज ऑक्यूपाइड हैं विला में। ओके, ये आपका एक गार्डन एरिया मिलता है, ओपन एरिया। ओके, इसको आप गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं या पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, ये आपका किचन है, लिविंग डाइनिंग। ओके, तो ये बेसिकली हमारा लिविंग डाइनिंग है। ये डाइनिंग एरिया है। ओके, ये आपका लेफ्ट साइड में लिविंग एरिया है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट वॉशरूम है। ये फर्स्ट वॉशरूम है। ओके, ओके, ये आपका बेडरूम होता है। ओके, ये अटैच बाथरूम। इट्स अ अटैच बाथरूम, नाइस। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 10x10 का एक वॉशरूम आपको मिल जाता है। 10x10 का, इस साइज के तो रूम होते हैं सर। एग्जैक्टली, 10x10 का एक वॉशरूम आपको मिलता है, बस किंग साइज बेडरूम। चलिए, आपका शॉवर एरिया। ओके, इसको आप ओपन की तरह यूज कर सकते हैं। तो कोई अगर कवर्ड कराना चाहे इसे कवर्ड करा सकता है, उसमें कोई इशू? बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल कवर्ड करा सकते हैं सेल्फ यूज के लिए। अगर आप किसी भी टाइप का इसको बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं दूसरे फ्लोर की। चलिए अब चलते हैं दूसरे फ्लोर की ओर। नीचे वाला लॉबी एरिया है। ओके, इसको आप कॉरिडोर की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, ये हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर। ओके, फर्स्ट बेडरूम है। ओके, ये बेडरूम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है ऋषि जी? ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा है, ये 15x18 के साइज में हम लोग बेडरूम दे रहे हैं। ओके, सीलिंग हाइट की भी अगर बात करें, सीलिंग हाइट में हम लोग यहाँ पर करीब करीब 12 फीट के दे रहे हैं। ओके, ये इसका बालकनी है, जो कि बालकनी तो नहीं, ऑफ कोर्स डेक यूज कर सकते हैं। 8 फीट की वाइड बालकनी है, जो कि बालकनी नहीं, ऑफ कोर्स डेक बोला जाता है इसको। ओके, राइट, आइए मैं आपको दूसरे बेडरूम में लेके चलता हूँ। इसका वॉशरूम ऋषि जी? ये इसका वॉशरूम है। ओके, अटैच्ड वॉशरूम है, जैसा कि आप देख सकते हैं 10x10 का वॉशरूम है। ओके, ये इसमें स्टोर रूम और पूजा रूम। ओके, दोनों चीजें कवर करके दी गई हैं। ओके, आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिफ्ट लगा के उस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक आती है। अभी उसका भी मैं एक टूर दिखाऊंगा, हमारे एक भाई साहब ने यहाँ पर एक बनाया है मेला, जिसमें लिफ्ट यूज करी गई है। ओके, ऑफ कोर्स मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको उसका भी टूर विजिट करूं। ओके, ये बेडरूम है, जैसा कि आप देख सकते हैं 15x18 का बेडरूम है। ये इसकी बालकनी है, ये इसकी बालकनी है, जैसा कि मैंने नीचे भी आपको बताया था कि इस पूरे एरिया को आप कवर कर सकते हैं और अपने सेल्फ यूज के लिए लेकर आ सकते हैं। ये इसका वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम।
अच्छा आप सेकंड फ्लोर की ओर चलिए। ओके आप देख सकते हैं कंप्लीट ओपन एरिया है, ये एक सर्वेंट रूम है विद अटैच्ड बाथरूम। अच्छा सर्वेंट को भी पूरी फैसिलिटी दी जा रही है ऋषि जी। उसको कहीं बाहर से एक्सेस करना पड़े। ओके सर्वेंट बना हुआ है, एक बेडरूम आपको ये आता है अगेन विद अटैच्ड टॉयलेट। The master bee is coming. ये आपका ओपन एरिया, अगेन बैक साइड से ओपन एरिया आता है बट वुडन फ्लोरिंग। ओके यहाँ से आप चाहें तो अपने टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं सीढ़ियाँ लगा के। जैसा एक छोटा सा ओवरलुक मैं आपको पीछे वाले विला में लेना चाहता हूँ, उन्होंने अपना एरिया कवर किया हुआ पीछे से। ओके Again, the masterpiece is coming. This is your rooftop. This is your open rooftop with the gathering of tentatively 30 to 40 people. आप यहाँ पे एक barbecue बना सकते हैं, आप इसको open terrace की तरह use कर सकते हैं। सामने आपका lifetime का view ये रहता है। Okay, तो ये open रहेगा। ओके यहाँ पे अगर कभी कुछ आया भी तो सिर्फ और सिर्फ विलाज ही आएंगे यहाँ पर, और कभी कुछ नहीं आएगा। अच्छा ऋषि जी एक सवाल था मेरा आपसे जी, जो रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया विला है ये जी। जो रहने के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया जी। जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेना चाहते हैं जी, उनके लिए कैसा है ये? उनके लिए भी बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, बिकॉज अगर हम बात करते हैं आज लोकेलिटी की तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सुप्रीम चीज़ है। आज अगर आप इस प्रोजेक्ट को 2.6 CR से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आप नाना करते करते 4 CR से प्लस इसको ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाली हुई है, जो आज के प्रोस्पेक्टिव से उन्होंने एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया है। कि इसके रिगार्डिंग बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या मैं जो अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, नीचे दिए नंबर पर कॉल करें और बाकी की जानकारी उससे हासिल करें।